Welcome back to Weekend Up. So we got Swagat Karta Hue Conan Fizz Freelander. So guys, आज मैं गिफ्ट करने जा रहा हूँ न्यू ईयर गिफ्ट टू माई बेस्ट फ्रेंड. एंड आप सब लोग देख ही पा रहे हो कि मैंने बस हेलमेट तक ही कलेक्ट कर चुका हूँ. मेरे पास तो पूरा नेदरराइट आर्मर है, बट उसके पास उत्तू भी नहीं है. वो आयरन आर्मर लेके ही बस घूमता है, क्योंकि उसे ज़्यादातर माइनिंग पसंद नहीं, उसे बनाना पसंद है. और मुझे पसंद है माइनिंग, तो उसके लिए आज मैं फाइंड करने जा रहा हूँ डायमंड्स. सो लेट्स बिगिन. एंड गाइस, अभी मैं पॉइंट तक जा रहा हूँ, तो अभी थोड़ा बहुत कट आ रहा है. एंड अभी मैंने स्टार्ट कर दिया माइनिंग. एंड भाई, कब तक ये डायमंड मिलेगा? मेरे को तो नहीं लगता आज 10 घंटे से ज़्यादा मिलने वाला है, तो अभी आधे घंटे बाद ही मिलता हूँ. अभी मुझे डायमंड माइन करते करते 2 घंटे से भी, 2 घंटा क्यों बोल रहा, 45 मिनट से भी ज़्यादा हो चुका है. एंड अभी मुझे जब डायमंड मिलेगा तब तक कट करता हूँ. तो गाइस, डायमंड तो नहीं मिला, बट मुझे वाटर ज़रूर मिल गया है, तो अभी मुझे रास्ता चेंज करना पड़ेगा. इसी के साथ मैंने अपना रास्ता भी चेंज कर लिया है. अभी जब डायमंड मिलेगा तभी दिखाऊंगा पक्का. One eternity later. तो गाइस, मुझे डायमंड फाइंड करते करते बहुत ज़्यादा टाइम हो गया. अभी तक मुझे डायमंड नहीं मिला है, एक डायमंड तक भी नहीं मिला है. जल्दी ओ भाई मिल गया है, और अभी इसको तोड़ देते हैं. बहुत ही मस्त लगा है, क्योंकि ज़्यादा ओपी रिएक्शन नहीं था, क्योंकि मैं बाद में वो कर रहा हूँ वॉइस रिकॉर्डिंग. एंड मुझे टोटल 11 डायमंड्स मिल चुके हैं. मैं बहुत ही खुश हुआ. फॉर्च्यून 2, थैंक यू सो मच. एंड मेरे को कोई वीडियो बनाने का शौक नहीं है, तो मैं अभी जब डायमंड मिलेगा तभी दिखाने वाला हूँ. तो गाइस, हमें अगेन डायमंड्स मिल चुका है. अभी मैं फॉर्च्यून 3 या फिर 2 से तोड़ रहा हूँ. अभी कितने मिला है? 2 ही मिला है ओनली. यस, अभी 15 डायमंड्स जा रहा हूँ यहाँ से. एंड मैंने उस डायमंड से एक चेस्ट लेग बनाया एंड एक लेगिंग्स बनाया. एंड फिर उसके बाद मैं बहुत थक गया था, तो फिर मैंने सोचा कि मैं कल सुबह डायमंड माइनिंग करने वाला हूँ. एंड अगली सुबह भी हो चुकी थी एंड मैं डायमंड माइनिंग करने के लिए निकल गया था. एंड अभी मैं थोड़े बहुत सीन्स दिखाने वाला हूँ, बिकॉज बहुत सारे बंदे बोल सकते हैं कि तू माइन नहीं किया, बट बना रहा है इसलिए. तो गाइस, हमें माइनिंग करते करते 8:41 हो चुके हैं. एंड अभी कब डायमंड मिलेगा पता नहीं भाई, थोड़े ही डायमंड चाहिए तेरे. एंड गाइस, अभी हो चुके हैं 1 घंटे डायमंड माइनिंग करते करते. मैं पागल हो चुका हूँ, इसके कारण ही मुझे डायमंड माइन करना सबसे वर्स्ट लगता है. तो अभी मैं अपना साइट चेंज करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये साइट तो कभी मिलने वाला नहीं है. तो गाइस, मुझे उस साइड भी डायमंड नहीं मिला, तो फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि शायद से इस साइड में डायमंड्स मिल जाएंगे. ओ भाई, एंड इसको आप सभी लोग बोल रहे होंगे कि मैंने कोई चीट यूज़ किया होगा, बट मैं कसम से बोल रहा हूँ, मैं कोई चीट यूज़ नहीं किया, मेरे को डायमंड मिल गया. अब ये लक है या फिर कोइंसिडेंस, मुझे नहीं पता क्या है. नहीं नहीं, ये लक तो नहीं हो सकता, ये कोइंसिडेंस ही होगा. एंड उसके बाद मैंने पूरा आर्मर बना. आते समय मुझे एक एंशियंट डिब्रीज भी दिख गया था. एंड आफ्टर दैट मेरे पास पड़े थे बहुत सारे TNT, बहुत सारे नहीं कह सकता, 12 या फिर कुछ इतना ही TNT भरे थे. मैंने उसको लगा दिया एक ही बार में, फिर मैं उसको ब्लास्ट करके भाग गया. एंड मैंने इतने सारे फोड़े, तो मुझे तो नेदराइट मिलना बनता है ना, तो मेरे को करीब के करीब बहुत सारे नेदराइट मिल गए थे. एंड फिर तुम लोग देख सकते हो मैंने कितना, ये तोड़ने के बाद देखना लैग इन 200 होगा, ये देखो लैग इन 200. एंड फिर मैं इसे फाइनली तोड़ सकता था एंड मुझे मिल गया. एंड उसके बाजू में एक परा था, उसको भी हमने लेने का ट्राई किया. अभी गाइस, मैं सीन को कट कर रहा हूँ, कॉज बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाला है. और ये मेरे को थोड़ा सा एंशियंट डेब्री और मिल गया था एंड मैंने उसको तोड़ लिया था. एंड ये करीब 3 ही थे. एंड फाइनली मैं अभी मेरे फ्रेंड को भी बुला चुका हूँ एंड अभी इस पूरी चीज़ को मैं नेदरराइट का करने जा रहा हूँ. सबसे पहले मैंने उसको उसका चेस्ट प्लेट में नेदरराइट दे दिया था. एंड आफ्टर दैट मैंने हेलमेट पे भी दे दिया था. एंड फिर मैंने लेगिंग्स पे दिया एंड फिर बूट्स में दिया, तो पूरा लाइन लाइन नहीं हुआ, मेडल फिर ऊपर फिर लाइन. एंड फिर मैंने इसको अंदर आने के लिए बोल दिया था एंड ये अंदर आ गया था. और फिर रियली शॉक हो गया होगा, इधर कैसे ये आ सकता है, ये तो इतना दिन से खेल रहा है. एंड ये रियली बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया होगा. एंड बस लास्ट में एक ही चीज़ बोला जाऊँगा, हैप्पी न्यू ईयर गाइस. नेक्स्ट ईयर मैं और ज़्यादा कंटेंट डालने वाला हूँ. एंड मैं ये भी विश करता हूँ कि आप लोग मेरे को नेक्स्ट ईयर तक कम से कम 1000 तो करा ही दोगे. तो अभी के लिए तो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग.